हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो पिछले तीन लेक्चर से कंटिन्यू चला आ रहा है और चैप्टर का नाम है एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन नाम से हमें ये पता चलता है कि भाई कहीं से निकलकर कहीं तक पहुंचना, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर वन में बताया था। तो मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना इज योर ट्रेवलिंग, राइट। और अगर पॉइंट ए को हम देखें तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और अगर पॉइंट बी को हम देखें जहां हमें पहुंचना है तो वो हमारा जो है डेस्टिनेशन पॉइंट या फाइनल पॉइंट होता है, राइट। तो इसी सारी चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर वन के अंदर ऑफ चैप्टर नंबर सिक्स, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था भाई कि लेक्चर नंबर टू के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फिर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन लेक्चर वन में हमने कुछ एंगल्स 90 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ डिस्कस किया था, और उनसे एडिटिव एंगल्स कुछ डिस्कस किए थे, उनके बारे में क्वेश्चंस देखना अभी बाकी है कि अगर एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं तो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी पैटर्न होगा क्वेश्चन का, मगर जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा एकदम ऐसा मतलब बहुत हैवी सा दिखेगा कि यार ये क्या 175 डिग्री, क्या 90 डिग्री, क्या 270 डिग्री, क्या 360 डिग्री जैसा दे रखा है। मगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर हमें उनका जब सोल्यूशन हम निकालेंगे या उनका सोल्यूशन जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक बार देख लेते हैं यार कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी और किस किस तरीके से उन चीजों को हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं यार, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो एक बहुत बेहतरीन चीज हम लोग आपको रेगुलरली बताते हैं, उन बच्चों के लिए जो आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है कोटा से लेकर के इंडिया तक के हायर लेवल एजुकेशन का प्रिपरेशन। हायर लेवल एजुकेशन का प्रिपरेशन मतलब क्या है भाई, अगर आप सिक्स क्लास में हैं तो आपको ओलंपियाड लेवल जो है वो आपके लिए हायर लेवल एजुकेशन है, अगर आप सेवेंथ में हैं तो उसी तरीके से आपका ओलंपियाड लेवल आपके लिए हायर एजुकेशन है, और अगर आप टेंथ में है तो इलेवेंथ वाला आपके लिए हायर एजुकेशन है। तो मैं ये बता दूं कि भाई स्कूल लेवल प्रिपरेशन के साथ साथ ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन भी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आप लोगों को करवा रहा है, और वो हो रहा है स्पेसिफिकली क्लास सिक्स से लेकर के टेंथ तक के लिए, राइट। और साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जैसे पीआरएमओ का प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं, और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये बढ़िया सा एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसी के साथ मेरा नाम है आकाश वर्मा और मुझे है 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, कितने साल का, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और उसी के साथ साथ मेंटर टू द स्टूडेंट्स ऑफ रिनोन इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा सिटी। और उसके बाद अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो बेटा फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल, और फिर आप लोगों को जो अगर इच्छा है सैंपल स्टडी मटेरियल खरीदने के बाद, अगर आप लोगों की इच्छा है कि नहीं मुझे जाकर के ये मटेरियल अपना बनाना है, तो जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है www.talkingtextbooks.in, और वहां जाकर के इन दो पैकेजेस में से कोई सा भी एक पैकेज चूज कर लीजिए। क्लास सिक्स सेवेंथ एट के लिए कॉस्टिंग सेम है, स्टडी मटेरियल डेफिनेटली डिफरेंट होगा, क्लास वाइज होगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आप लोगों को यहां मिल रहा है, उसके बाद लाइव एंड रिकॉर्डेड टीडीबी लेक्चर, और उसके बाद होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हमारे एसोसिएट्स आपको जोड़ देंगे उस ऐप के ऊपर या उस ग्रुप के ऊपर, और फिर बाई वीकली क्विजेज ऑफ पीरियोडिक टेस्ट पेपर ऑफ सेम पैटर्न, जिस भी पेपर को आप देना चाह रहे हैं, जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उसकी जो है प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे पास स्टडी मटेरियल तो है, तो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन हमने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ जो कि और भी सस्ता है, यानी कि 3500 का है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हो। और जैसे ही आप प्राइस डिटेलिंग सेक्शन के अंदर जाते हो तो यू आर गोइंग टू अप्लाई द कोड एके लाइव, और उससे आप लोगों को मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट, जो कि आपके प्राइस को घटा करके कर देगा मात्र इतना सा, यानी कि 9000 को कर देगा 6300 एंड 2450 कर देगा जो आपका 3500 का टेस्ट सीरीज वाला पैकेज है उसको। क्या करना है, एके लाइव कोड को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद अपना डिस्काउंट जो है वो अवेल करा लेना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग तीनों में से कोई सी भी एक पेमेंट गेटवे को चूज कीजिए और हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना पैकेज बना लीजिए फटाफट से। कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत अगर है तो 9549041111 पे कॉल कीजिए। अगर ये नंबर पे एक नहीं होता है तो ऊपर एक और नंबर दे रखा है, दैट इज माय पर्सनल नंबर, उस पे आप कॉल कीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर प्रॉब्लम आ रही है, आपके कोड से पैकेज खरीद लिया है तो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट करना है। चैप्टर की शुरुआत में हम हमेशा करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्टनेस इज द ओनली थिंग विच वर्क्स ऑल अराउंड, राइट। उसके बाद कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जहां मैंने आप लोगों को डायरेक्शंस का आइडिया दिया था, एंगल्स का आइडिया दिया था, एंगल्स पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आज इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को अभी तक याद होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहां पर हर बार एक ऐसा दोस्त होता है जो कि ऐसा होता है कि भैया जिसकी कोई भी नहीं सुनता, तो उसके बेस पे मैंने ये ट्रिक आप लोगों को डिजाइन करवाई थी, विच इज नहीं इसकी सुनने वाले। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये टोटल एंगल जो होता है व्हाइट लाइन के बीच में, यानी कि एग्जैक्ट डायरेक्शन के बीच में, लेट्स से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो 90 डिग्री होता है। देन फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ और ईस्ट के बीच में भी 90, और उसी तरीके से बाकी दोनों डायरेक्शन के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मिडिल डायरेक्शन होता है जो कि दो डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन होता है, विच इज साउथ ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, या फिर साउथ वेस्ट हो सकता है, या फिर नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। तो उस डायरेक्शन को हम बेसिकली बोलेंगे एक मिडिल डायरेक्शन। अगर हम उसका एंगल मेजर करने जाते हैं तो 90 डिग्री के बिल्कुल सेंटर से वो एंगल निकलता है, या वो लाइन निकलती है, या वो डायरेक्शन निकलता है। तो इसीलिए दो एंगल जो मेजर्ड है वो होगा बेटा 45-45 डिग्री का। तो उसी हिसाब से जब आप सम अप करते हो इन सारी चीजों को, तो आप लोगों को ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि द टोटल सम विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप चाहे 90 इंटू 4 कर दो या फिर 45 इंटू 8 कर दो, ठीक है, आंसर बेटा वही 360 डिग्री ही आना है। दोनों केसेस में 360 डिग्री आंसर आना है। इंक मेरे हिसाब से दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो बता दीजिएगा, हम आज के बाद लाल इंक का प्रयोग नहीं करेंगे, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि दिख रही है। चलिए, तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ये एंगल का आइडिया ध्यान रखना भाई कि अगर 90 और 45 को मैं प्लस करता हूं तो 135 डिग्री होता है, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और 90 को प्लस करता हूं तो 180 हो सकता है। फिर ये कुछ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे, जहां मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या होता है। फिर उसके बाद कुछ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और फिर लेक्चर 2 के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया। यार इतना कम बताया था क्या मैंने? अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे जो कि बाय हैंड मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे, और उसके बाद फिर हम लेक्चर 3 पे आए थे जहां मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे अलग अलग टाइप के, और वादा किया था कि अगली बार जो मैं है डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और उनमें एंगल्स का भी डिफरेंशिएशन होगा या एंगल्स का भी जिक्र किया जाएगा, राइट। तो ये जो चैप्टर है लेक्चर नंबर 4 जो आज हम करने वाले हैं, उसमें हम डेफिनेटली बात करेंगे किसकी, ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर एंगल्स का एक आइडिया दिया हुआ होगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में फिर से वही ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का पार्ट 2 आप इसको कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज पार्ट 2 ऑफ ओलंपियाड लेवल। यहां लिख लो यार, यहां पर लिख लो पार्ट 2, वरना आप लोग बोलोगे कि सर अच्छा पहला क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, पहला क्वेश्चन अभी नहीं आना था, ये पार्ट 2 लिख लो यार, ठीक है, ये पार्ट 2 है आपका, ठीक, क्लियर है। थोड़ी थोड़ी राइटिंग सुधारने की कोशिश की जा रही है बेटा, है ना, हो सकता है अगले 3-4 दिन में हमारी राइटिंग सुधर जाए और अगले सेशन पे जब हम आए तो हमारी राइटिंग आप लोगों को अच्छी लगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दे रखा है, जहां पर आप लोगों के लिए कहा गया है कि भाई अ मैन इज फेसिंग साउथ, ठीक है, ही टर्न्स 135 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। भाई साहब पता नहीं क्या ही चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि बेटा फटाफट से जो है ना अपनी कॉपी के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट का डायग्राम बना लिया करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ। 30 सेकंड्स का समय है आप लोगों के पास, वक्त शुरू होता है अब। ये वक्त कितना हसीन है ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, बट 135 डिग्रीज का मैंने आप लोगों को बेसिक आइडिया दे दिया था यार, तो शुरू हो जाओ और कर लो इस सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अमायन इज फेसिंग साउथ, अब यार साउथ डायरेक्शन में है तो इसका मतलब मैं यहां कहीं हूं और मेरा जो डायरेक्शन है फेस का वो नीचे की तरफ है, क्योंकि साउथ हमेशा नीचे होता है, इतना मुझे पता है, ठीक। अब मुझसे ये कहा गया कि ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक चीज जो आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान रखनी है वो ये है कि दिस इज गोइंग टू बी 90, ठीक है। अगर ये 90 है, कितना है 90, 90 है, तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो यहां लिखा हुआ है, इसको स्प्लिट कर लो, 90
90 प्लस 45, ठीक है बेटा। जैसे अभी 90 प्लस 45 करते हो तो मैंने आप लोगों को और भी अलग तरीके से बताया हुआ था और कहा था कि बेटा ये देखो, तो अगर आप इस पूरे एंगल को मेजर करते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। तो ये लो साहब, क्या कहा था आपके क्वेश्चन में वो यहां मैंने डबल स्टेप में पूरा कर दिया। ही टर्न्स 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां भाई साहब है और यहां से यहां टर्न कर जाते हैं, स्टेप वन, ठीक है। उसके बाद कहा गया एंड देन टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई बात नहीं। तो यहां अगर आप हैं तो फिर से इंक चेंज कर लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। येलो इंक लेते हैं यार, ग्रीन ले लिया ना, तो 180 डिग्री लेना है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि 90 प्लस 90 होगा, ठीक है। तो दिस इज 45, दिस इज 90, तो ये वाला भी 45 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आपका 45 45 90 बनेगा, 45 प्लस 45 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 होता है, ठीक है बेटा। वही चीज करी हमने, दिस 45 प्लस दिस 45 प्लस दिस 90 विल गिव यू व्हाट, पूरा 180। तो अब इन भाई साहब को यहां से उठा के लाओ और यहां पर ला करके रख दो, ये हुआ आपका स्टेप टू, ठीक। आपसे एक्चुअली वही पूछा है कि भैया स्टेप टू के बाद किस डायरेक्शन में, जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब जब द मैन अ मैन, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इस एरो को ध्यान से देखता हूं, इस एरो को ध्यान से देखता हूं और मेरे मैप को इधर उठा के रखता हूं, तो मुझे ये साफ साफ पता चल रहा है कि सर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है बेटा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ योर्स एंड दिस इज साउथ ऑफ योर्स, जो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, तो दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कहां है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में आपको वापस से क्वेश्चन के बारे में एक आइडिया दे देंगे। चलिए एंगल्स का ध्यान रखना है बेटा, और उसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन फिर से वही एंगल्स वाला क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अब देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने ये देखा कि भाई सिंपल सिंपल सा तरीका दे रखा होता है, ऐसा बता रखा होता है कि नॉर्थ में देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है, राइट देख रहा है, लेफ्ट देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, मगर यहां पर डबल डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, और उसके बाद फिर एंगल भी दे रखा है। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीके, सिंपल पैटर्न, वही नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यहां लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। आओ भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मेरा कहां होगा ये मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट इज हियर, यानी कि इधर सीधा, इधर ऊपर, तो इधर कहीं बीच में। क्या करो, ये लो सर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है सर, आपने कहा था नॉर्थ वेस्ट में देख रहा था, हमने नॉर्थ वेस्ट में बना दिया उसको। फिर कहते हैं ही टर्न्स 90 डिग्रीज टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पिछले क्वेश्चन में हमें ऑब्वियसली पता है कि दिस इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज एंड दिस इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंड ये आपका एंटी है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस बार इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, कितना डिग्रीज है। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात जो है वो ये है कि दिस इज अगेन व्हाट, 45 डिग्रीज, राइट। तो अगर क्लॉकवाइज घूमेगा वो भी 90 डिग्रीज, तो इसका मतलब एक्चुअली ये भाई साहब यहां आ जाएंगे, ठीक है। और ये डायरेक्शन अगर मैं आपसे कहूं तो कितना होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से देखते चलिए, नॉर्थ ईस्ट में ये भाई साहब अभी आ चुके हैं एंड देन 135 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्रीज, इसका मतलब 90 चला था और 90 ही वापस चल के वापस से 45 डिग्रीज नीचे की तरफ आएगा, यानी कि दिस इज योर 90 डिग्री का एंगल, राइट। कितना हुआ, दिस वॉज 45, दिस वॉज 45 एंड देन दिस इज 45, 45, 45, 90, 90 और 45 इज कितना भाई, तीन बार 45 है, तो वो कितना हुआ, 5 थ्री जा 15, 5 इधर, 15 का 5 इधर, 1 इधर, और उसके बाद 4 थ्री जा 12, 12 और 1 इज 13, ये लो 135 डिग्री।
तो मतलब अभी जो प्रेजेंट लोकेशन है या प्रेजेंट पोजीशन है वो भाई साहब की यहां पर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये लो। तो अब ये भैया कहां देख रहे हैं, ये भैया वेस्ट डायरेक्शन में है ना, और हमसे क्या पूछा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था 45 45 45 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आए, नॉर्थ ईस्ट से वापस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आए, पहले कहां गए थे, पहले गए थे यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टेप वन, और फिर गए यहां से यहां, दैट इज एंटी क्लॉक डायरेक्शन, दैट इज स्टेप टू, ठीक है, ये हुआ भाई, ठीक है, दिस इज स्टेप टू। यहां पर आ गए, आपसे वही पूछा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आप साफ साफ कह दोगे कि वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं वो भैया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए हमारे तीसरे सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं, ये एंगल्स वाले में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज ध्यान से बता दीजिएगा। A man is facing towards west and turns 45 degrees. भाई अपने आप कर लो, ये क्वेश्चन पढ़ो और अपने आप करो इस क्वेश्चन को यार। तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, सॉरी दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं एंगल्स पे बेस्ड, तीसरे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। 30 seconds नाउ। भाई 45, 180 और 270 का ध्यान रखना, 270 कितनी बार चमक करने पे आता है ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, चलिए शुरू करें, आओ देखते हैं। A man is facing west। मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि सबसे पहले ये बना लिया करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो यार, नहीं तो बोलोगे सर 5 लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या है, man is facing west, कहां है इसका फेस, यहां है, इस तरफ है, यहां भाई साहब हैं और ये वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलोगे तो यहां आ जाओगे, ये 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यहां आपका फेस अभी, तो एग्जैक्टली आप कहां हैं, नॉर्थ वेस्ट में है। फिर कहते हैं कि अगेन टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ध्यान रखना बेटा, दिस इज अगेन योर 40, इन टोटल अगर आप करते हो तो 90 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे कहा गया कि 45 डिग्री के बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो ये 45 डिग्री था, इसके बाद 45 डिग्री और, यानी कि इतना और कितना है 180 है, यानी कि एग्जैक्टली आप यहां आ जाओगे, भाई यहां से अगर मैं इसको मेजर करूंगा तो देर शुड बी 180 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि इतना ही तो चलना पड़ेगा, अगर इसका मिड में निकालता हूं तो वो 90 होता है और इधर वाला भी 90 होता है, तो दैट से इज 180 डिग्री, 45 45 एंड 90 शुड बी इक्वल्स टू कितना, कितना एग्जैक्टली, ठीक है, तो क्या हुआ, दिस 45 प्लस दिस कितना 135 विल गिव यू 180, कैसे, ये देखो इसका स्प्लिट दिखा रहा हूं इधर, ये 45 था, ठीक है, अब ये 90 हुआ आपके पास, ये 90 डिग्री हुआ, और ये जो पार्ट है ये अगेन 45 डिग्री हुआ, ठीक है, तो दिस 45 प्लस दिस 45 प्लस दिस 90 इज इक्वल्स टू कितना, 180 हो गया ना भाई, ये 180 हो गया, ठीक है, तो कितना कहे क्लॉकवाइज में 180 डिग्री आ गए, चलिए अब आगे बात करते हैं, एंड देन टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, भैया 180 हो गया ना, अगर 180 हो गया तो 270
माइनस 180 कितना होता है? जल्दी से बता दो यार मुझे। 170, 270, 70 इधर, 100 इधर से गए, 180 में से 80 हो गया, तो दिस इज 170, ठीक है, 170 में से 80 चला गया, तो दिस वुड बी 90 डिग्री। भैया ये जो 180 है ना, ये तो पीछे आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ इधर यहां कहीं आप आ जाओगे। कैसे आओगे आइए देखते हैं। ये 180 था टोटल जो हमने देख लिया था ऑलरेडी। 180 में 45 प्लस करते हैं कितना होता है, जल्दी बताओ। 180 में 45 प्लस करने पर कितना होता है? 180 प्लस 45 करने पर कितना हमारे पास आंसर आता है, विच विल बी इक्वल्स टू कितना? 225 डिग्री। ठीक है, क्लियर है क्या? अगर 225 डिग्री आता है तो 225 में 45 प्लस करने पर मेरे पास 270 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ ये कि 180 तो पीछे वापस आए, क्यों आए? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कहा था। 180 पीछे वापस आए प्लस 40 और गए, ठीक है, ये 40 और आ गए, और इस 40 के बाद, इस 40 के बाद वापस, सॉरी 45 के बाद वापस 45 डिग्री और चले। अब देखो ये 225 और 45 है ना, इसको एक और स्प्लिट में दिखाता हूं। ये 180 तो वापस रिवर्स ले लिया आपने, ठीक है, प्लस 45 डिग्री और चले, ये वाला 45, ये वाला 45, और उसके बाद ये वाला 45 वापस चले, तो दिस इज अगेन 45, ठीक। 45 90 हुआ, 90 और 80 कितना होता है? 80 60, 170, 170 और 100, 270, 270 डिग्री ही तो चलना था मेरे दोस्त। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं, कहां गए इंक वाले भैया, यहां आ गए, ये बार बार अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज दिस मच, ठीक है, क्या है ये ग्रीन वाला मार्क? 270 डिग्री है, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों को इजीली मान लेना है कि हाँ सर ये 270 डिग्रीज है, ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 270 प्लस 90 करते हो तो 360 आपके पास वापस से आ जाता है, ठीक है, और ये टोटल एंगल जो है वो 360 ही होते हैं। तो 270 डिग्रीज आपके पास यहां आ गया। आप क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। देखो आप क्या पूछा है आपसे कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, और ये मिडिल डायरेक्शन में यहां पर आकर के रुक गए थे भाई साहब, तो दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक है, ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा, और इसी तरीके से आप लोग तीसरा क्वेश्चन भी करके भाग जाओगे। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है यार, इसको पढ़ लो यार फटाफट से, 30 सेकेंड फॉर यू पीपल, 30 सेकेंड फॉर यू पीपल to solve this question. I am facing east. I turn 100 degrees clockwise. Oh, bhai sahab. मतलब 90 घूमेगा और 90 के बाद 10 डिग्री और घूमेगा, ठीक है, एंड देन 145 डिग्रीज फिर उल्टा घूमेगा भाई। विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ? अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से टफ दिखते हैं क्योंकि एंगल्स का जिक्र हो रहा होता है, मगर अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, आ जाओ 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 आ जाओ। चलो क्या है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, क्या पूछा हुआ है? आई एम फेसिंग ईस्ट। सबसे सिंपल सी चीज जो मैंने आप लोगों को हर बार कही है वो ये कही है कि बेटा जब भी क्वेश्चन करो फटाफट से ये बना लो, और इसके बाद जो है अब ईस्ट में फेस कर रहे हैं भाई साहब, तो यहां इनको रखो, यहां इनका फेस कर दो, ठीक है। I turn 100 degrees clockwise. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितना ही घूमो, ये हुआ 90 और ये हुआ आपका 10, तो this is going to be 100 degrees, ठीक है। 45 मत मानना क्योंकि 45 जो है यहां कहीं आएगा, ठीक है, तो 45 नहीं है ये, this is 10, 10 और 90 is 100, ठीक है बेटा, 10 और 90 इज 100, और उसके बाद आपसे कहा गया है एंड देन 145 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। ये 100 था तो इसका रिवर्स मारना पड़ेगा, कैसे रिवर्स मारोगे ये देखो, यहां से रिवर्स गए यहां आए तो ये 100 ट्रेवल कर ही लिया, आपसे कहा है 145, क्या कहा है 145, ये लो सर 145, दिस इज 45 डिग्रीज एंड दिस इज 100 डिग्रीज, तो पूरा टोटल जो है
ये हो जाएगा आपका 145 degrees। ठीक है, अब क्या कहा है भाई, 145 एंटी क्लॉकवाइज चलती है और फिर विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, एज सिंपल इज दैट। ये हुआ आपका नॉर्थ, ये हुआ आपका ईस्ट और आप हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी कि मिजोरम के अंदर चले गए हैं आप, है ना। ऐसा मैं कह सकता हूं मगर मैं कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं कि आप कहां हैं। तो क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अपना फाइनल आंसर बता देना है, ऑप्शन डी आप लोगों का फाइनल आंसर होगा बेटा। ध्यान से देखो यार इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पहले कहीं चलाया फिर कहीं चलाया और फिर कहीं चला करके कहीं पटक दिया। 100 डिग्रीज का कैलकुलेशन ध्यान रखना, 90 प्लस 10 100 होता है, ठीक है। तो 90 डिग्रीज चलाओ और 10 डिग्री और चलाओ तो क्लॉकवाइज हो गया, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 145 चलाना था तो 100 डिग्री रिवर्स और 45 डिग्री एडिशन, ठीक है बेटा। और फिर डायरेक्शन तो आप लोगों को दिखी गया, तो आप लोगों ने कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो सर आप, ठीक। जो की टेक अवे है ना इन क्वेश्चन का, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा यार, मगर अभी पांचवा सवाल कर लो फटाफट से, जल्दी से देख लो यार। अ रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है साहब, एंड ऑन द वे डायरेक्शन टर्न लेफ्ट, ठीक है, एंड गोज इन सेमी सर्कल राउंड अ हिल क्लॉक। ओ भाई, हिल लॉक भी बनाना पड़ेगा क्या। एंड देन टर्न लेफ्ट एट राइट एंगल, इन विच डायरेक्शन इज ही इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग। कर लो भाई, एकदम एकदम, मतलब जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। करो भाई करो, फटाफट करो, क्या क्या कहा गया है वो कर लो। पहले कहा गया कि वेस्ट टू ईस्ट बह रही है, तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है आओ देख लेते हैं। वही बेसिक हमारा जो तरीका है उसी को फॉलो करेंगे। वेस्ट टू ईस्ट, कहां से वेस्ट टू ईस्ट, ये लो वेस्ट टू ईस्ट बहा दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज सेमी सर्कल राउंड द हिलॉक, ठीक है, चलो साहब और बताओ। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ये सेमी सर्कल पूरा किया, ठीक है। अब अगर ये मेरा राइट है तो यहां पर नीचे देखते वक्त इसका लेफ्ट कहां होगा, यहां होगा, ठीक है, एट एन राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया भाई साहब, ये पूरे तरीके से राइट एंगल घुमाया हमने, ठीक है, यानी कि वापस से ईस्ट की तरफ बह गई है। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग, देख रहे हो ना आप, देख रहे हो ना आप, क्या हुआ क्या हुआ, ध्यान से देखो बेटा क्या हुआ कि पहले तो हमने कहा कि भाई साहब यहां चलो, कहां चलो, वेस्ट से ईस्ट चलो, ये हम चले गए। एरो बना देते हैं आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा जो है इजी रहेगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि देन टर्न्स लेफ्ट, तो अगर मैं यहां जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट कहां है, यहां है, तो अगर मैं स्क्रीन पे खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। मैंने क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन में गया, और फिर मुझे ये कहा गया कि भाई साहब सेमी सर्कल बनाना है अराउंड द हिलॉक, तो ये हिलॉक मान लो, ठीक है। क्या किया, ये राउंड सेमी सर्कल बना दिया, ये राउंड सर्कल सेमी सर्कल बना दिया, और फिर कहा 90 डिग्रीज पे टर्न लेना है वापस से। राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री, दिस इज नोन एज 90 डिग्री, ध्यान रखना। तो ये 90 डिग्री पे टर्न ले लिया भाई साहब और सीधा निकल गए, ठीक है। क्या है, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग, तो हमने कह दिया ईस्ट, क्यों, क्योंकि इधर ही तो जा रहा है, तो ये हो गया ईस्ट, ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए बेटा, और नहीं है तो चलिए बेटा पांचवे सवाल की जगह छठे सवाल पे चलते हैं। यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन, एंड देन गो टू द लेफ्ट। वाह वाह, क्यों दिया ये क्वेश्चन, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, क्यों दिया ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लो फटाफट से, वही बेसिक
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फटाफट से बनाओ, नॉर्थ डायरेक्शन में चलो, चलो भाई चलो 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 नॉर्थ डायरेक्शन में चलो, यहां से चलो, यहां से स्टार्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, यहां से आप चले नॉर्थ डायरेक्शन में और राइट टर्न मार जाओ, ये लो राइट टर्न मार गए सर, एंड देन अगेन टर्न राइट, कितना भी चल के राइट मारना है कोई दिक्कत नहीं है, ये लो राइट मार गए, एंड देन गो टू द लेफ्ट। अब यहां आपका राइट मारे थे आप, तो आपका जो राइट है वो एक्चुअली इधर ही होने वाला है वापस से, ठीक है, तो क्या करो वापस से राइट टर्न मार लो भाई, जैसा बोला है वैसा कर लो यार, ठीक है, सॉरी, एंड देन गो लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न ही मारा है अपन ने, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया राइट था और मुझे लेफ्ट में जाना था, तो मुझे इधर ही जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर ही चलता हूं, जैसे ही मैं इधर चलता हूं तो मुझसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, यानी कि आप अगर यहां हैं तो यहां कहां है, तो आप कह दोगे भैया ईस्ट डायरेक्शन में हम हैं, कहां है ईस्ट डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, तो आप कह दोगे कि ईस्ट डायरेक्शन में है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में। एरोज को बनाना देख लो यार, क्योंकि एरो बनाना अत्यंत आवश्यक है, पता होना चाहिए ना कि कहां से कहां जा रहे हो, ये लो ठीक है, क्लियर है, ये स्टार्ट पॉइंट था और ये डेस्टिनेशन अभी खत्म नहीं हुई है, तो इसलिए हमने ईस्ट पॉइंट लिख दिया इसको। वैसे ईस्ट पॉइंट से मुझे याद आता है कि हमारी जो बड़ी दीदी है वो अजमेर ईस्ट पॉइंट में पड़ी हुई है कुछ साल, तो ईस्ट पॉइंट ने, इस ईस्ट पॉइंट ने हमारी वो यादें ताजा कर दी कि हमें बताया जाता था कि तुम्हारी दीदी जो है अजमेर ईस्ट पॉइंट में पड़ी हुई है और ईस्ट पॉइंट जो है बहुत अच्छा स्कूल है। मेरे कुछ भाई बहन और भी हैं जो ईस्ट पॉइंट में पढ़े हुए हैं, ये वाला ईस्ट पॉइंट नहीं है बेटा, ईस्ट पॉइंट स्कूल है अजमेर में, उसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत हो गई बातें, चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। फिर से वही, आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आई गो डाउन साउथ, ठीक है चले जाओ, एंड टू द एज ऑफ द फील्ड, ठीक है, एंड देन टर्न लेफ्ट, आई वॉक अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। अब यार ये 3/8 ऑफ इट्स लेंथ कैसे निकालोगे, अभी बताते हैं आपको 3/8 ऑफ इट्स लेंथ कैसे निकालोगे आप, ठीक है, एंड देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस द ऑपोजिट पॉइंट, ठीक है, ठीक है भाई, राइट अक्रॉस द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई साहब कतई जालिम क्वेश्चन है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले क्या कहा गया कि सर्कुलर फील्ड है, ये लो, सर्कुलर इज नॉट सो सर्कुलर दीज डेज, ठीक है, ये आप यहां खड़े हुए हैं ऐसा बोला गया है कि आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, तो ये सेंटर मान लो बेटा, सी पॉइंट मान लो इसको, ठीक है, आई गो डाउन साउथ, आ गए, और बताओ मालिक क्या चाहते हो आप हमसे, एंड टू द एज ऑफ द फील्ड एंड देन टर्न राइट, एज ऑफ द फील्ड पे आ चुका हूं मैं और राइट टर्न और फिर लेफ्ट टर्न मारना है मुझे, अगर मैं नीचे की तरफ हूं तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, अगर मैं नीचे की तरफ हूं तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, जल्दी से बता दो अगर मैं नीचे की तरफ हूं तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, मेरा लेफ्ट होगा यार, एक सेकंड, मैं नीचे की तरफ हूं तो मेरा लेफ्ट इधर होना चाहिए, है ना, तो मेरा लेफ्ट यहीं होगा, फटाफट से देखो, यार लेफ्ट अगर है, एक सेकंड रुकना बेटा, नीचे की तरफ में गया और वहां से नीचे की तरफ में गया तो मैंने लेफ्ट चलना है, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, यहां होगा, है
है ना, क्योंकि ये राइट है तो मेरा लेफ्ट यहां होगा, मैं नीचे की तरफ हूं, मेरा लेफ्ट ये नहीं होगा, मेरा राइट ये होगा। ठीक है, क्या करना है कि अब कहां चलना है, टर्न लेफ्ट एंड आई वॉक अलोंग द बाउंड्री इक्वल टू 138, ठीक है, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, तकरीबन तकरीबन आप इतना चले होंगे, ठीक है, पिज्जा के 8 पीस करने हैं बेटा, ठीक, इतना करीबन चले होंगे आप। एक सेकंड रुको यार, देखने दो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 3/8 कहा है ना आपसे, 3/8 कहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो क्या हुआ है, आप कहे नॉर्थ और फिर आपसे कहा कि लेफ्ट डायरेक्शन में चलो, मार्कर लेफ्ट डायरेक्शन में चलो, चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3/8 का लॉजिक देखो बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर इस क्वाड्रेंट को आप कितने हिस्सों में बांटते हो, 8 हिस्सों में, तो कैसे ये 3/8 आपको निकालना है, याद करो वो फिगर, कौन सा फिगर, वो वाला फिगर जहां मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, या मैंने आपको कहा था कि या तो 90 × 4 कर दो या फिर 45 × 8 कर दो, ये बताया था ना, तो ये 45 को 8 वाला टाइम है, क्या है ये 3/8 इज 45 पार्ट्स, यानी कि 3/8 है तो इसका मतलब 3 × 45 लेना है, कितना है 45, 3 टाइम्स लेना है अपॉन 8 कर देना है, ठीक है, 8 का मतलब हो गया 45 × 8, क्या करना है 8 × 45, ठीक है बेटा, 3 टाइम्स और 8 टाइम्स, इस तरीके से है ये, तो इंटू मत करो इसको, इंटू मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, तो 45 के 3 हिस्से और 8 के मतलब 45 के 8 हिस्से, वैसा वाला सीन है, तो क्या करो, 3 हिस्से का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 हिस्से का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, 2 हिस्से तो यहां पूरे हो गए और तीसरा हिस्सा करीबन यहां पूरा हो गया, तो आप कहां तक आओगे, आप आओगे यहां तक, इस पॉइंट तक आओगे, ठीक है, 1, 2, 3, कैसे 1, 2 और 3, ये 3 हिस्से तक आप आ गए, ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंड देन आई टर्न वेस्ट टू गो राइट अक्रॉस द ऑपोजिट पॉइंट, अब क्या करो, यहां से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाओ, वेस्ट डायरेक्शन कहां होता है, वेस्ट डायरेक्शन कहां होता है, यहां होता है, यही होता है, तो यहां से चलो बेटा, और कहां तक आओगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के एग्जैक्ट ऑपोजिट पे आप आओगे, यहां पर आ जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप यहां आए तो आप लोग क्या करोगे, आपसे वही कहा गया था कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन दी बाउंड्री, तो आप बाउंड्री पे ही रहोगे मगर एग्जैक्टली ऑपोजिट आओगे टूवर्ड्स वेस्ट जाकर, कहां जाकर, वेस्ट जाकर, टूवर्ड्स वेस्ट जाकर, ठीक है, तो टूवर्ड्स वेस्ट जाकर आप जो है बाउंड्री पे रह जाओगे, और ये जो मुस्कुराहट है बेटा इसलिए है क्योंकि ऐसा जो है थोड़ा सा जो मतलब क्रिकेट फील्ड होता है थोड़ा ओवल होता है, बट ठीक है हम इसको क्रिकेट फील्ड मान लेते क्योंकि हम ऐसे ही खेला करते थे बचपन में, तो ऐसे ही छक्के मार दिए थे, और ये देख रहे हो पूरा ट्रेवल कर लिया, तो याद है तुम्हें एक बंदा है जिसका नाम है ABD, जो कि कहां खेलता है बेटा, बैंगलोर की टीम में खेलता है, और उसका नाम है एबीडी विलियर्स, उसको मिस्टर 360 भी कहते हैं, तो उन्हीं भैया की याद हमें आ गई थी और इसीलिए हम थोड़ा मुस्कुरा गए थे कि हम पूरा फील्ड चल लिए और अभी भी जो है हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। चलिए तो क्या करना है, वापस आ जाते क्वेश्चन के ऊपर, ऑपोजिट पॉइंट ऑन दी बाउंड्री इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां था हमारा, यहां था, ठीक है, मगर अब दुविधाजनक सवाल यह है कि मेरे दोस्त स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका यह भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है बेटा जहां से आपने एक्चुअली चलना शुरू किया होता है, तो सी विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट
इसको ध्यान रखो, और इससे आप कहां हो, नीचे की तरफ देखो बेटा, तो आप एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में हो। कहां हो? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या हुआ? एक सेकेंड, एग्जैक्टली ऑपोजिट कहा गया था आपसे। ओहो है, ये क्या हुआ भाई? साउथ वेस्ट कैसे आ रहा है अपना? साउथ वेस्ट कैसे आ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ओ था, है ना, और विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वो था, वहां से मैं नीचे की तरफ हूं, तो एग्जैक्टली मैं वेस्ट और साउथ के बीच में ही होना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही भैया? यहां से वहां चले, वहां से यहां चले। ओह सॉरी बेटा, कीबोर्ड गिर गया था। क्या हुआ? इन विच डायरेक्शन आए हैं हम? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वही है जहां से मैंने एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करी, यानी कि पॉइंट सी से, बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री से वहां चल दिए हम, है ना, बाउंड्री से वहां चल दिए। अच्छा, इसको अगर मैं मेरा स्टार्ट पॉइंट यहां मानता हूं, तो भी तो वही है यार, तो भी तो वही है। साउथ वेस्ट आंसर आएगा बेटा आपका, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट से लोगे साउथ वेस्ट ही आंसर आएगा, साउथ वेस्ट ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि आप कहां फेस कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, यहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो दिस विल बी साउथ वेस्ट। ठीक है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हमारे पास जो आंसर लगा हुआ था वो बी था, बट क्वेश्चन सॉल्व करने पर नॉर्थ तो नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस एंड आप नीचे आओगे तो ऑब्वियसली आपका फेस जो है इस डायरेक्शन में होगा एंड दिस इज आपका साउथ वेस्ट। ठीक है बेटा, डन, ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, और इसी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए चलिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका फाइनल हो चुका है। आठवें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें जाओ जहां जाना चाहते हो। ठीक है, दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट, ठीक है 100 मीटर चल लिया अभी तक। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर स्ट्रेट, ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? चलते रहो ना भैया, हमें कहा, हमें क्यों, रुक क्यों रहे हो आप, मत ही रुको ना, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके रुकने ना रुकने में। चलो शुरू करते हैं बेटा, क्या कहा गया है? दीपक स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, बेसिक चीज जो मैंने आप लोगों को हर बार बताई है वो ये है, ठीक है, स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, चलने दो भाई साहब को। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट, कितना चल रहा है 25, ठीक है ना, एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट, ऊपर जा रहे हैं वापस लेफ्ट चलेंगे, कितना है, कितना है वॉक्स 40, वॉक्स 40, 75 है, 40 इधर चलेगा तो 35 डिग्रीज बाकी बचेगा, कितना बाकी बचेगा 35 डिग्रीज बाकी बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर,
25 है तो इधर भी 25 ही होगा, रेक्टेंगल बन गया बेटा, ठीक। हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूं, ये लो इंक चेंज कर लेता हूं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। क्या किया, 75 चला, 25 मुड़ा, 40 मुड़ा, फिर 25 वापस नीचे मुड़ गया। अब मुझसे पूछा गया कि मेरी करंट पोजीशन ये है, क्या है, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर आप एग्जैक्टली अभी हो, प्रेजेंट पोजीशन आपकी जो है वो ये है। तो 75 माइनस 40 अगर आप कर दोगे तो आपकी ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि इफ दिस इज 40 एंड दिस इज कितना टोटल 75, तो 75 माइनस 40 अगर आप कर देते हो तो आपकी जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो 35 मीटर आ जाएगी, ठीक है। 35 मीटर जहां कहीं भी हो हाजिर हो जाए हमारे सामने, कहीं भी नहीं है भाई साहब, कहीं भी नहीं है, 45-65 होता, 35 मीटर होना चाहिए। दैट इज आपका जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू नन ऑफ दीज, ठीक है, आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज यानी कि ई, ठीक, क्योंकि है तो यही यार, 40 इधर चला, ठीक है, और ये 75 चल रहा था, तो दिस रिमेनिंग विड बी 75 माइनस 40, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर इसको आप ऐसे करते हो ना, ए बी सी डी ई, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए सी माइनस ई डी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक। तो ए सी कितना हुआ आपका 75, माइनस करोगे आप 40 और आपको आंसर फाइनली मिलेगा कितना, ए बी दैट इज इक्वल्स टू 35, ठीक है बेटा। तो 75 माइनस 40 35 डिग्री विच इज नन ऑफ दीज, चलिए इजी क्वेश्चन था इसलिए फटाफट निपटा दिए हम आज की दुनिया का। तो बेटा इस चैप्टर का आखिरी सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों के ठीक सामने है, ऐसा मैं कह देता मगर एक और सवाल है इसके बाद, फटाफट कर लो। कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, बजर बज गया भाई 45 मिनट्स का। कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, फटाफट से घुमा दो इसको। जल्दी घुमा दो, क्या करना है, कुणाल वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, यहां कहीं बना लो ऊपर 10 किलोमीटर चला दो, 10 किलोमीटर ठीक है नॉर्थ डायरेक्शन में। फ्रॉम देयर ही वॉक 60 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 60 नहीं है 6 है बेवकूफ, 6 है साउथ की तरफ यानी कि यहां नीचे, तो यहां से नीचे चल गए 6 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चल गए, कितना 3 किलोमीटर, ये 4 बाकी बचा हुआ है बेटा इधर। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द In which direction is he from the in with the reference of his starting point? ये लो, यहां आपका starting point, ये आपका present position, present point और ये आपका start point, ठीक है। आपसे पूछा है कि start point के reference में ये भाई साहब अभी कितना दूर है और किस direction में है, ठीक। तो direction तो obviously आप लोगों को पता है कि east direction में है, कहां है direction आप लोगों को obviously पता है कि east direction में है, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन का कोई ऑप्शन दे रखा है तो उसको पकड़ लो, ये लो 7 किलोमीटर ईस्ट, एज सिंपल एज दैट। ये कैसे किया, ट्रिक के हिसाब से किया भाई, मुझे ये तो पता था कि है ईस्ट में, है ना, और फिर मैंने इधर देखा तो ईस्ट डायरेक्शन में हो, स्टार्ट पॉइंट से कहां हो, यहां हो, है ना। और ऐसा करते ही आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा और आप 0 नंबर लेकर के आओगे, कितना लेके आओगे 0 लेकर के आओगे एकदम ऐसा, और रोता हुआ नंबर आएगा, रोता हुआ नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जहां आप देखोगे ना वहीं आप गड़बड़ कर दोगे। आपसे ये नहीं कहा कि अभी किस डायरेक्शन में है, आपसे कहा है रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट के रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो यहां है वो भाई साहब, तो ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में है, ऑप्शन आपका जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट होगा, ये गलत होगा बेटा, ठीक है। कैसे गलत होगा, क्योंकि आपसे पूछा है स्टार्ट पॉइंट के रेफरेंस में, स्टार्ट पॉइंट यहां था, इसके रेफरेंस में आप हो कहां पर, ईस्ट, फिर गलत कर दिया हम, रुको यार,
एक सेकंड, नॉर्थ ईस्ट ही होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट ही होगा, सही है, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे हम, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट होगा आपका डायरेक्शन 5 किलोमीटर। अगर इसको क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो वो भी करके देख लेते हैं। आओ, पाइथागोरस थ्योरम याद है, उस हिसाब से कर सकते हो क्या, परपेंडिकुलर की लेंथ इज इक्वल टू बेस इन टू हाइट का स्क्वायर, तो 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16 और इधर आओगे तो रूट हो जाएगा, विच विल गिव यू वॉट, विच विल गिव यू दिस, तो 16 और 9 कितना होता है, फटाफट से बताओ, 25 होता है और 25 का रूट करोगे तो वो 5 आपके सामने आ जाएगा, तो दिस इज 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक, समझ गए, समझ गए, ऑप्शन सी हम लोग का, सॉरी ऑप्शन बी हम लोग का फाइनल आंसर होगा। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ, जहां पर रोहन भैया हैं वो वॉक कर रहे हैं, करने दो, रोहन भैया ही तो हैं, क्या कर लेंगे, करो भाई करो, रोहन भैया वॉक करो, रोहन वॉक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यार वही बेसिक सी चीज जो है ना वो हर बार मैं बना रहा हूं क्योंकि आपको ये याद होना जरूरी है, नहीं इसकी सुनने वाले, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, रोहन वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, चला दो ना, क्या जा रहा है, मुझे क्या जा रहा है, चलने दो, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, इन भाई साहब का लेफ्ट कहां है, यहां है, ठीक है, 2 किलोमीटर, चलो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर चल लो आप, ठीक है, एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक है, एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, ठीक है, चला दो एंड वॉक 3 किलोमीटर, ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, चलाते जाओ बस, चलाते जाओ बस, ये लो 3 किलोमीटर चला दिया, ये 2 था, ये 2 था और ये 3 हो गया, ये टोटल अगर 3 है तो दिस इज 2 क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है, स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर गया ना 1 किलोमीटर आगे, ठीक, अब आपसे क्या कह, हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां आप हो एग्जैक्टली, आपने इस पॉइंट से 3 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल किया था, ये 2 किलोमीटर दूर आपका घर आप क्रॉस कर चुके हो और आगे बढ़े हो 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर अवे, कितना हो 1 किलोमीटर अवे, ठीक है बेटा, आंसर ए आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को यार, क्या कहा हुआ है, ठीक है, जो कहा है वही करना है भाई, 3 किलोमीटर है ये टोटल, माइनस 2 किलोमीटर करोगे तो दिस विल बी 1 किलोमीटर और नॉट, है ना, और ये डिस्टेंस जो है आपके घर से आपके फाइनल पॉइंट का है, ठीक, या आपके पर्टिकुलर जगह से जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से फाइनल पॉइंट का है, ठीक है बेटा, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा जहां पर हम लोगों ने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो बेटा लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू वांट टू, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, एंड अगर कोई भी सवाल है आप लोगों के मन में आप लोगों के दिमाग में तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो सेक्शन विच इज कमेंट सेक्शन बिलो इन द वीडियो बिलो 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 बिलो, ठीक है, सो keep joining the family of 6000 plus subscribers, keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLIVE, thank you।